गिरिडीह सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज का 552वां प्रकाश उत्सव समारोह रूप में मनाया गया। इसी को लेकर प्रकाश पर्व से पूर्व 5 दिन लगातार प्रभात फेरी का आयोजन किया गया तथा लगातार अखंड पाठ का भी आयोजन किया गया। अखंड पाठ का समापन प्रकाश पर्व के दिन में किया गया। इस मौके पर गिरिडीह के मुख्य गुरुद्वारे एवं पंजाबी मोहल्ला स्थित गुरुद्वारों को काफी आकर्षक ढंग से सजाया गया था वहीं अमृतसर तथा आगरा से आए रागी छठे द्वारा शब्द कीर्तन प्रस्तुत किया गया। इस मौके पर गिरिडीह के विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने गुरुद्वारे पहुंचकर माथा टेका तथा शब्द कीर्तन का आनंद उठाया। मौके पर श्री गुरु सिंह सभा गिरिडीह के अध्यक्ष डॉक्टर सरदार कुलवंत सिंह मोंगिया द्वारा विधायक को सरूपा प्रदान करें सम्मानित किया। इस पूरे गुरुपूरब के आयोजन को सफल बनाने में श्री गुरु सिंह सभा गिरिडीह के प्रधान डॉक्टर सरदार गुरुवंत सिंह मुंगिया, सचिव नरेंद्र सिंह, शम्मी चरणजीत सिंह, सलूजा परमजीत सिंह आदि गणमान्य का सराहनीय सहयोग रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, आरपी भारत। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज बहुत ही आनंद, बहुत ही खुशी, बहुत ही प्रेम, बहुत ही श्रद्धा के साथ गिरिडीह की सारी साथ संगत गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मना रहे हैं और मैं सारी संगत को, सारे श्रद्धालुओं को अपनी ओर से आमंत्रित करता हूं कि आप गुरुद्वारा परिसर में आएं और गुरु कीर्तन का आनंद लें, लंगर का आनंद लें। आज हम लोग श्री गुरु नानक देव जी का 552वां प्रकाश पर्व मना रहे हैं और ये कार्यक्रम हम लोग के 30 अक्टूबर से शुरू हुए थे जो कि अभी तक चल रहे हैं और ये 2 दिन और 21 तारीख तक चलेंगे। मैं आज अभी ये बताना चाहता हूँ कि आज भाई गगनदीप सिंह आगरा वाले के जत्था जो आए हैं, इन्होंने बहुत ही अच्छा गुरु कीर्तन पेश किया है जिसमें सारी संगत आज बहुत आनंदित है। मैं चाहता हूँ कि ये कल भी हैं, जिनको भी दर्शन करने हों आए और कीर्तन का आनंद लें, प्रसाद का आनंद लें। बहुत बहुत धन्यवाद। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।